मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने ले रही एड की विंडो आ रही है, तो मेरे को लगा कि बाबा मोनेटाइज हो गया है जी। तब मोनेटाइज का भी कुछ मालूम पता नहीं भी नहीं था कि होता क्या है, क्या होता है, और हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि एड चलेंगे, इससे भी कोई इनकम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी यूट्यूब से ये बताइए। फर्स्ट पेमेंट तो सर मेरे ख्याल से, हाय फ्रेंड्स, आज एक मोटिवेशनल इंटरव्यू फिर से लेके आया हूँ आपके बीच में। इंदौर जो शहर है वहाँ के एक चैनल है आमची इंदौर, जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, और फूड ब्लॉगिंग के अंदर कितना अर्निंग कर सकते हैं हम यूट्यूब से, और कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और कैसे स्टार्ट किया सर ने, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है मैडम और सर आप दोनों का। धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंदौर पधारे, स्वागत है आपका इंदौर में। तो व्यूवर्स के लिए सर आप एक बार हमें इंट्रोडक्शन देंगे आप अपना? बिल्कुल मैडम बताएंगी। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हैं आमची इंदौर चैनल, इंदौर का फूड ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं हम, और जनता तक बस एक ही हमारा मोटिव है कि आज जो स्ट्रीट पे जो भी हमें मोटिवेशनल, जो मोटिवेट हमें करते हैं, हम उनकी कहानी को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से वो कितनी मेहनत करके, उनकी पूरी लाइफ जो वो इतनी स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे, तो उसके पीछे का उनका क्या, कितनी मेहनत है, तो उस चीज़ को हम बस दिखाते हैं इसमें। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो हम लोगों को फील हुआ था कि मतलब एक्चुअली स्ट्रीट फूड देखने में काफ़ी लगता है कि काफ़ी अच्छा है और 10 से 20 रुपए में बस आप जाओ और मिल जाता है, पर एक्चुअली वो 10-20 रुपए के पीछे की जो 10-12 घंटे की मेहनत होती है, तो वो हम लोगों को पिंच करी। इस वजह से हमने ये सोचा क्यों ना इनके बैक साइड एक मेहनत दिखाएं इनको, तो जो हमें सामने दिखता है वो प्रेजेंटेबल वो तो ठीक है, पर उसके पीछे की मेहनत जाननी ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों को हमने कैच करना चालू कर दिया और लोगों से बातचीत करना चालू कर दी, तो अच्छा लगा फिर उसके बाद, और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। तो हमारे बीच में धीरज सर हैं और मैडम हैं, जो आप आमची इंदौर YouTube चैनल देखते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में हम जानकारी शुरू करते हैं। तो मैडम कैसे आप लोग दोनों, मतलब आमची इंदौर पे जो चैनल स्टार्ट किया आपने, YouTube चैनल जो आपने? मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मेरी, हम लोगों की शादी हुई है 7 जून 2014 को, तो शादी के बाद जब मैं इंदौर आई, तो उसके बाद मैंने घर में देखा कि घर में सभी को खाने का भी बहुत शौक था, और ये भी पूरे टाइम जब भी फ्री टाइम मिलता था यूट्यूब पे बस खाने के फूड रिलेटेड वीडियोस ही देखते रहते थे, कभी किसी का कभी किसी का। तो मैं पहले बहुत इरिटेट सी होती थी कि क्या है, जब देखो जब ये खाना 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 वही देखना, क्या है ये, समझ ही नहीं आता था मुझे, कुछ और देखो, मूवी देखो, सीरियल देखो, जो देखना वो देखो। पर नहीं, हम लोग के मूवीज तो देखते थे, पर एक्चुअली हम लोग खाने के ज्यादा देखते रहते थे, तो घर में सभी को शौक था। मतलब यूट्यूब पे रात में अगर 2 बजे नींद खुली अपनी, तो 2 बजे भी आप देख लोगे कि यूट्यूब पे ये खाना चल रहा है, स्ट्रीट फूड चल रहा है। मतलब हर तरीके के खाने के शौकीन थे, वो वीडियोज देखना था वो देखते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा चलो देखना तो ये चलता है, चलता गया ऐसे। फिर 2017 की बात है कि फिर मुझे भी ऐसा लगा यार, जब हम दूसरों की वीडियोस ऐसे देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यार अपन खुद का नहीं कर सकते क्या ऐसा? सही है, भले ही कोई नहीं देखे हमारे वीडियो, पर हम तो देखेंगे अपने वीडियो, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी कि यार ये तो अपना वीडियो डाला है इसमें, अपन अपना ही देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैंने एक चैनल क्रिएट किया आमची इंदौर, और उसमें मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो उसमें अपना खुद की घर की रेसिपी अपलोड की, और थोड़ा ऐसे ही पहले चलता रहा, कोई व्यूज़ नहीं थे, कुछ नहीं थे, फिर एक दो कमेंट्स आने लगे, ऐसे अननोन कमेंट्स आने लगे, तो उसमें बड़ा अच्छा लगा कि यार ये कौन है जो कमेंट कर रहा है। उस प्रोसेस को भी सर है ना, ये साल भर हो गया था एक्चुअली, साल भर तक हम लोग कंटिन्यूसली डालते जा रहे थे कि यार हमने बनाया ही था अपने लिए कि बस खुद के देखते रहेंगे। और तियारा जब 8 महीने की थी, तो बस हम उसको भी सैटरडे संडे, इंदौर में हर बंदा देखो खाने के लिए बाहर जाते ही है, तो हम लोग भी जाते ही थे सैटरडे संडे, अब हम जाते थे तो बस उतना ही वीडियो अपन ने शूट कर लिया कि यार ये तो अच्छा लग रहा है यार, और बस उतना शूट कर लिया और घर आके फटाफट से मैंने अपलोड कर दिया उस चीज़ को, एडिटिंग भी कुछ नहीं करते थे उस समय, तो जो एक्चुअल रहता था जितना किया शूट उतना ही अपलोड किया, तो बस ऐसे धीरे धीरे करके बस हम डालते गए। मतलब क्रिएट आपने किया था चैनल, हाँ। तो सर ने कुछ कहा कि क्या कर रहे फालतू काम कर रहे यूट्यूब पे? नहीं पता था इन्हें,
स्टार्टिंग में नहीं पता था, फिर मैंने बोला कि यार ये मैंने बनाया यार YouTube चैनल, तो यार अपन भी यार अपना कर लेते हैं ना। तो मेरे को तो और एक्साइटमेंट आया था सर, मैंने लगा यार ये ने खाने का चैनल बनाया है, और मैंने लगा हम लोग देखते ही वही थे, तो और एक एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। तो मैंने लगा चलो यार अब बिल्कुल मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। सैटरडे संडे हम लोग जब जाने लगे तो फिर हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाने लगे वीडियोस के, जैसे ट्रैवलिंग भी करते थे हम, जैसे उसके बाद हमारे वीडियोस, फिर हम मुंबई गए बाई रोड, अचानक ही हमारा प्लान बना, ऐसे ही गए बाई रोड, हमने छोटा सा एक व्लॉग शूट कर लिया, बस यूं ही कर लिया था कि त्यारा ड्राइविंग कर रही है, कभी हम कुछ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो सब हमने डालना चालू कर दिए वहाँ। मुंबई की पाव भाजी, चाउमीन, नूडल्स, वो सबसे हमारे कुछ पहले वीडियोस थे। मतलब सर आप फूड व्लॉगिंग देखते थे, मतलब आप खाने के बहुत शौकीन हैं। खाने के बहुत शौकीन हैं एक्चुअली, हमारा बैकग्राउंड ही खाने से रिलेटेड है, सब लोग परिवार में अच्छा बनाते हैं, खाते हैं, छोटा सा एक ढाबा है घर में, तो वो पीढ़ियाँ हमारी, मतलब अर्निंग भी उसी से होती थी। तो सर आप दोनों कहाँ के रहने वाले एक्चुअली में? हम लोग सर हैं ग्वालियर के हैं, ग्वालियर, मैडम भी ग्वालियर की हैं, मेरे मदर फादर वगैरह दोनों ग्वालियर के हैं, नाना नानी, फैमिली पूरी कंप्लीट ग्वालियर, नाना नानी, दादा दादी, आप जो भी कह लें सब लोग ग्वालियर के हैं। तो सर इंदौर आना कैसे हुआ सर आपका? इंदौर एक्चुअली मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे जी, मतलब ही वॉज एक्सपायर्ड ऑन नियर अबाउट 2013। अच्छा जी। तो उसके बाद मतलब मैं एक्चुअली उज्जैन में था उस समय, मेरी जॉब थी, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। तो मैं 2014 में फिर मैं इंदौर आ गया था, और फादर ट्रांसफरेबल जॉब रहता था, तो फिर रहना पहले कटनी, सतना, ऐसे घूमते घूमते हम लोग इंदौर पहुँचे 1998 में। तो 98 से फिर मेरा स्कूल, कॉलेज, जॉब, मेरा सब फिर यहीं सेट होते गया, तो तब से हम लोग यहीं हैं। तो सर आपका मतलब आपकी जो शादी कैसे क्या हुई, आपसे अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज? ये मैडम अच्छे बताएंगे आपको यार कैसे मिलना हुआ आपका। ना देखो मैं खुद भी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए किया है यहीं अपने डीएवीवी यूनिवर्सिटी से, इंदौर में ही। तो मैं 2-3 साल मैं इंदौर में ही रही हूँ, मैंने मारुति सुजुकी में जॉब भी किया फाइनेंस में, और उसके बाद फिर जब घर में मम्मी पापा ने बोला कि है ना अब घर में कोई नहीं है, मेरे डैडी का भी क्या है गवर्नमेंट ही जॉब है, तो उनका भी है ना बाहर टूर वगैरह लगता रहता था, तो मम्मी घर में अकेली थी, तो कि अब आ जाओ तुम, तो मैं ऐसे ग्वालियर गई, फिर ग्वालियर में मैंने न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया, तो मैं न्यूज़ एंकर भी रही हूँ वहाँ। अच्छा शुरू से आप क्रिएटिव हैं? शुरू से क्रिएटिव पत्नी मिली है अपने को नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही मैं बता रही हूँ, मेरे साथ सब यूं ही हुआ है तो बस 2 साल मैंने ग्वालियर में न्यूज़ एंकरिंग करी है, तो बड़ा अच्छा लगा कि वाह यार अलग ही एक टीवी चैनल पे आ रहे हैं अपन, न्यूज़ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर बस शादी का भी ऐसे ही हुआ, मेट्रो मनी पे हमने अपने अपने प्रोफाइल, मेरा था, इनका भी था, और बस ऐसे ही हुआ कि बस सर्च करते थे तो एकदम से इनका प्रोफाइल मैच हुआ, और हम लोगों ने भी फिर इंटरेस्ट किया और बात वगैरह हुई। और सर अरेंज ही मैरिज है सर, आप लव मैरिज मत समझना। और सभी मेरे फ्रेंड्स और कई सारे लोग मुझको यही पूछते हैं कि यार तेरी तो ये मेट्रो मनी से है, क्योंकि तुम इंदौर में भी रह चुकी हो और तुमने इंदौर में जॉब भी करी है, तुम इंदौर में तुमने ना अपनी पढ़ाई भी की है और ये भी इंदौर में, तो तुम्हारी लव मैरिज हम नहीं मानते। पर यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज बिल्कुल अलाउ नहीं है हमारे यहाँ। तो बस ऐसे ही शादी का भी रिश्ता है और ऐसे ही अच्छा लगा। तो बस अच्छा कभी व्यूज नहीं आए यूट्यूब पर, तो आप निराश हुए इन चीजों को लेके? मैं तो बहुत ज्यादा ये हाँ ये एक्चुअली डिप्रेस हो जाती थी, मैं हो जाती थी, और ये मेरे को मोटिवेट करते थे, मैं एक्चुअली बोलता था बस करते जाओ, हमने मैं इनको वही बताता था कि अपन ने चालू किस वजह से करा था चैनल, हमने खुद के लिए करा था ना, तो हमें हम ये क्यों अभी ईगरनेस बढ़ रही है कि भैया व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चलते रहें दो, कीप अपलोडिंग, मेन फंडा यही था। तो पर करते गए होते गया, अपन करते हैं नहीं मिलते व्यूज तो बुरा भी लगता, बुरा है, लगता है सर, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पर ये अच्छी चीज है कि अगर मुझे बुरा लग रहा है तो ये मेरे को मोटिवेट, अगर ये भी बुरा मान जाए, ये भी डिप्रेस हो जाए, तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। पर ये बहुत, अगर मैं अपना सिंगल सोलो चैनल करती ना तो आज मैं कब की बंद कर देती, पर मैं बहुत ज़्यादा कई बार ये हो जाता है क्या यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, करना, टाइम देना, और फिर भी यार व्यूज़ नहीं मिलते, तो ये हमेशा मोटिवेट कर देते कि नहीं यार
करते रहो, करते मतलब रहो। अगर जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए, तो अगर आप डिप्रेस होते थे और चैनल बंद करने की सोचते थे, तो उनको कुछ सजेशन देंगे कि चैनल बंद नहीं करें, कैसे काम करना चाहिए? सर उसका मैं उसके लिए आपको बताता हूँ, एक पूरी हमारे आमचे इंदौर की एक पूरी डिटेल्ड लाइफ आपको बताता हूँ। जी जैसे इनने जो चैनल क्रिएट करा अगस्त 2017 में, ठीक है, अगस्त 2017 में करा, फिर ये हम लोग कम से कम साल भर तक हम लोग अपलोड करते गए, तो उसमें कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, कोई सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे थे। उस समय मेरे ख्याल से था क्राइटेरिया 10,000 व्यूज़ का। जी उस समय 10,000 व्यूज़ का क्राइटेरिया था, तो वो हम लोग रोज़ 10-12 ऐसे कर करके बढ़ते थे। 6 महीने बाद क्या हुआ सर, हम जैसे तैसे 10,000 व्यूज़ तक पहुँचे। जी तो 10,000 व्यूज़ तक पहुँचे तो मेरे को लगा वहाँ तक एक माइलस्टोन जो हमने माइंड में सेट कर रखा था, मैंने लगा पहुँच गए। फिर थोड़े टाइम बाद देखा उसमें मोनेटाइजेशन के एक मैंने वीडियोस देखा, मैंने लगा कि इसको ऑन करना पड़ता है, तो फिर मैंने मोनेटाइज ऑन करा उसमें, तो देखा कुछ टाइम के बाद उसमें एक वीडियो में मैंने देखा अपने डेस्कटॉप पे चला रहा था, एक वो ऐड की एक विंडो देखी, तो मैं बिल्कुल शौक हो गया, मैंने ले रही ऐड की विंडो आ रही है, तो मेरे को लगा कि बाबा मोनेटाइज हो गया है। जी तब मोनेटाइज का भी कुछ मालूम पता नहीं भी नहीं था कि होता क्या है, क्या होता है, और हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि एड चलेंगे, इससे भी कोई इनकम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हम अपलोड कर रहे थे बस। मतलब आप पैसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आए थे, अपने पैशन के लिए यूट्यूब पे आए, बस पैशन के लिए कर रहे थे कि खुद का देखते रहेंगे हो जाएगा। अब धीरे धीरे पता चला कि इससे एड भी मिलने लगते हैं, तो जब एड देखा तब हम लोगों के अंदर और एनकरेजमेंट हो गया, एक एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि नहीं यार कुछ तो है, मतलब मेहनत रंग लाई, 6 महीने बाद ऐड मिलना चालू हो गए, तो मतलब स्कोप है, हाँ स्कोप है, तो अच्छा हो सकता इसमें है। फिर करते रहेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग फिर और हमारी फ्रिक्वेंसी वीडियोस डालने की और हो गई, फिर हम लोग डेली डालने लगे, फिर डेली मेरा लगभग एक वीडियो आता था, फिर हम लोग अपलोड करते गए और ऐसे करके उसके एक साल बाद हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। जी मतलब 1.5 साल का समय लगा हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में, तो 10,000 सब्सक्राइबर हुए तो फिर अननोन कमेंट्स आने लग गए। अननोन कमेंट्स में ये होता था कि सर आप वहाँ जाइए, इनको कवर करिए, तो तब एक्चुअल हमें है ना ब्रांडिंग का पता चला कि एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन क्या होता था। हम बस सुनते थे, डेफिनेशन पढ़ते थे कि एडवर्टाइजमेंट ये होता है वो होता है, हम लोग टीवी में देखते हैं, पर एक्चुअल के एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन बेसिक लेवल पे हमें तब पता चली जब लोग हमसे कांटेक्ट करने लगे। तो मैंने लगा कोई अननोन बंदा हमसे क्यों कांटेक्ट करेगा, तो उससे एडवर्टाइजमेंट का फंडा समझ में आया कि नहीं यार हो सकता है अपन वायरल हो रहे हैं, इस वजह से लोग अपन को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लोग लोगों की डिमांड फुलफिल करते गए और लोगों के और डिमांड बढ़ती गई, तो ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते गया। तो मैंने लगा बाबा मज़ा आ रहा है इसमें, सही है, तो फिर हम लोग और अननोन कमेंट मिलते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बंदा कमेंट कर रहा है अगर अपन को तो बहुत बड़ी बात है यार वो। तो इसमें क्या सर मैं आपको बता दूं, इसमें टाइम लगता है, टाइम लगा हमें, पर टाइम के बाद हमें जो पॉपुलैरिटी मिलती गई तो वो सेटिस्फेक्शन का कोई मापदंड नहीं है सर। तो आप भी लगे रहें, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सर अभी जैसे वीडियो लंबा हो चुका है थोड़ा, तो आप मोटिवेट करते हैं हम व्यूवर्स को, आपकी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी यूट्यूब से ये बताइए। फर्स्ट पेमेंट तो सर मेरे ख्याल से 3-1 महीने लग गए थे आने में, जब मोनेटाइज होगा उसके 3 महीने बाद हुए, क्योंकि $100 पे आउट होता है इसका जी। तो ऐसे करते करते सब स्टार्टिंग की इनकम ही पहले दिन की जैसे मैं आपको बताऊं 0.006, फिर अगले दिन 0.005, ऐसे करते करते तीन एक महीने लग गए, फिर थोड़े टाइम बाद 1 महीने बाद 0.5 हुआ, ऐसे करके हमको लगभग 3 महीने में पहला पे आउट आया $100 का, वो भी मेरे को ध्यान है कुछ 8,200 रुपये करीब आया था, 100+ था उस समय जो भी बैलेंस रहता है वो रिलीज़ हुआ था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिया यार पहली बार कोई $US में हमें पेमेंट आया है, तो मैडम को मिलता था वो पेमेंट, तो एक इनको भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, बोले कि यार चलो बीइंग अ हाउसवाइफ अच्छा लगा उसे। अब वो पहला पेमेंट आने के बाद जैसे YouTube का एक नई पॉलिसी आई थी 4,000 वॉच आवर्स का जो है थ्रेशोल्ड और 1,000 सब्सक्राइबर का, तब आपको शायद कोई दिक्कत आई थी? हाँ उस समय सर एक्चुअली क्या था, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था 10,000 व्यूज़ के बेसिस पे जी, तो जब ये नई पॉलिसी आई तो हम
उस समय सारे मोनेटाइजेशन बंद कर दिए थे, तो मेरा जो ग्रीन कलर का टिक था हम लोगों के चैनल पे वो एकदम ब्लैकिश हो गया। तो मैंने ले ये क्या हुआ, तो देखा फिर न्यूज़ वगैरह, मैडम ने मेरे को बताया कि शायद मोनेटाइजेशन वो हो गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ चेंज हो गई है। तो फिर हमने चेक करा तो उसमें पता चला कि 4000 घंटे का हो गया। तो 4000 घंटे के लिए हमारे पास थे उस समय 3500 मतलब 3500 घंटे हो गए थे। अभी स्टिल वी हैव टू रीच मोर देन 500 आवर्स जी। तो उसको करने के लिए सर फिर काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जब हमने वो कर तो लिए एक महीने के अंदर ही, 500 घंटे हमारे एक महीने के अंदर हो गए, पर रिव्यू के लिए डाला तो 6 से 8 महीने लग गए सर। कई लोगों के गए थे तो हमारे 6 से 8 महीने फिर वो उसमें निकल गए सर, वेटिंग पीरियड में जी। तो वो भी एक हमारे लिए एक सबक था कि वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बना होगा कहीं ना कहीं आपका। और बीच में भी ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो बहुत ट्रेजेडी हुई है, हमारे तो चैनल दो बार बंद भी हो गए हैं सर। बंद हो गए क्यों सर? सर उसमें क्या था कि ना जैसे करते थे तो इसमें क्या हमारा में क्या हुआ था एक्चुअली कि कॉपीराइट आ गया था, कि जैसे हमने किसी मंदिर का वीडियो शूट किया था तो पीछे से उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी। साईं बाबा का मंदिर था तो वो उस वजह से म्यूजिक का कॉपीराइट आ गया था, म्यूजिक का। तो हमें ये भी नहीं समझ आता था कि भैया कि क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, वीडियो सब अच्छा है, हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, हमने कहीं से नहीं चुराया। फिर क्या है, बहुत स्टडी करके तब पता चला है कि अरे ये म्यूजिक की बात है, ये म्यूजिक के चक्कर में हमारा ऐसा हुआ। अरे तो उस टाइम बहुत ये कॉपीराइट म्यूजिक वगैरह कम्युनिटी गाइडलाइंस इनके बारे में आप कहाँ से पता करना शुरू करा फिर आप? सर फिर यूट्यूब पे ही पता करा कि भैया टेक चैनल देखते होंगे। हाँ फिर टेक चैनल वगैरह देखे, उसमें पता चला कि भैया कॉपीराइट म्यूजिक होता क्या है, कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए। तो फिर हमें यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में पता चला, हम वहीं से करते हैं तो वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और रॉयल्टी फ्री है, वही यूज़ करते हैं सर। तो सर एडिटिंग के लिए मैडम आप क्या यूज़ करते थे उस स्टार्टिंग में? के लिए पहले तो स्टार्टिंग में हम ऐसी कोई एडिटिंग नहीं करते थे, व्लॉग ही उतना शूट करते थे और वही एडिट करके अपना डाल देते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा कि नहीं यार थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा यार एडिटिंग वगैरह भी, यार दूसरों के देखते हैं ना वीडियोज़, तो ये लगता था कि यार ये कैसे करते हैं एडिटिंग। फिर वो हमने काइन मास्टर वो भी सीखा यूट्यूब से ही कि कैसे इसको एडिट करते हैं वो, तो बस वो काइन मास्टर उसी से मोबाइल से हम एडिट करते थे। फिर अब थोड़ा थोड़ा सा सर अभी 1 लाख हो गया ना सर, उसके बाद लोगों के और थोड़ी क्यूरियोसिटी और डिमांड बढ़ती गई, तो हमने सोचा क्यों ना उसको और थोड़ा स्किल्स को बढ़ाएं। तो हमने फिर एडोब प्रो सीखना चालू करा, थोड़ा बहुत हम उससे एडिट करते हैं, थोड़ा इससे, ऐसे करके मर्ज करते हैं। तो अभी आपके वीडियोज एडिट कौन करता है मैडम? दोनों ही करते हैं, जब इन्हें टाइम मिल जाता तो ये करते हैं और जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं करती हूँ। मेरे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम रहता है, तो मैं मंडे से फ्राइडे तो बिजी रहता हूँ, उस दौरान जो भी एडिटिंग होती है थोड़ा मैडम करती हैं। सैटरडे संडे मैं फ्री होता हूँ तो सैटरडे संडे मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग का मतलब शेड्यूल क्या, आपका रूटीन क्या है इसके बारे में बताएंगे? सर पहले हम लोग अपलोड रेगुलर बेसिस पे कर पाते थे, क्योंकि उतने वीडियोज़ में ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी, छोटा गए वहीं के वहीं बनाया और अपलोड कर देते थे। पर जैसे जैसे ये हम लोग 1 लाख क्रॉस करो और हम लोग जहाँ से मोटिवेशनल स्टोरीज़ करना कवर करने चालू कर दिए कि स्ट्रीट फूड के पीछे जो बंदा है उसके पूरे 24 घंटे की लाइफ, तो कम से कम हमें 8 से 10 घंटे लगते हैं उस बंदे को कवर करने के लिए। भैया उठते साथ वो बंदा क्या कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है, उसके साथ 3-4 घंटे बिताने के बाद वो अपनी बातें हमसे शेयर करता है, तो वो करने के बाद सर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम सर वीक में मेरे पास 2 दिन रहते हैं, तो हम लोग जाते हैं 2 दिन और 2 बंदे की स्टोरी कवर करते हैं उसको, फिर पूरे वीक में 2 दिन में कोई 3 दिन के ड्यूरेशन पे डालते हैं, 1-4 दिन के ड्यूरेशन पे डालते हैं। वो भी कंटेंट भी हम लोग खुद ही सर्च करते हैं, अब मतलब कुछ हमारे सब्सक्राइबर जो कमेंट करके बताते हैं, बाकी वो भी मैं जा के मतलब कि सब जगह पता करती हूँ, पूरा बात करना उन लोगों से, डेट्स लेना कि कब फ्री है, कब शूट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम मतलब 2 दिन करते हैं सर। और कंटेंट में 2 वीडियो अभी तो अब कंटेंट आपको कमेंट में मिल जाता है अधिक? जी मतलब कई मिलता है, मतलब सब्सक्राइबर कुछ बताते हैं तो वो हम सर्च करते हैं, कुछ हम लोग जाते रहते हैं जैसे वीडियो के लिए गए तो पता चला साइट में कोई कंटेंट देख रहे हैं, उनसे बातचीत करी तो वो एक अलग से निकल के। और एक्चुअली क्या है, सब्सक्राइबर जो कंटेंट बताते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं, और हमको जो लगता है कि नहीं यार इनका बनाना चाहिए वाकई में,
तो हम अपने हिसाब से फिर वो चीज़ पता करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, स्ट्रीट पे कोई है, उन्हें नहीं लगता है कि उनका स्टोरी है उनमें, बट हम अगर देख ले तो हमें लगता नहीं यार इनमें स्टोरी है, इनको कवर करना चाहिए, तो वो चीज़ हम खुद ही तो आप सैटरडे और संडे को टाइम देते हैं पूरा फुल रिकॉर्डिंग, तो आप कहीं बाहर इंदौर के जाते हैं तो मैडम साथ में जाते हैं अपने? कभी सर पहले जाते थे, अभी बच्ची थोड़ा स्कूल वगैरह का उसका हो गया, ट्यूशन है, तो अभी टाइम मुझे भी बहुत कम मिल पाता है। काफी मेहनत करते हैं मतलब आप दोनों? हाँ, अब जैसे अभी रिसेंटली मैं बड़नगर गया था, तो पर उसमें मैं अकेले ही गया था जी, उसमें मैडम थोड़ा पहले ये था कि टियारा का स्कूलिंग भी अभी ज्यादा नहीं थी, तो प्ले ग्रुप था, तो पहले हम लोग साथ में ही जाते थे, बाहर भी जाते थे, उज्जैन के भी हमने कई वीडियोस बनाए, मुंबई के, दिल्ली के भी बनाए, तो साथ में जाते, गुजरात भी गए हम लोग सर, और राजस्थान गए हैं सर, और लास्ट ईयर हम लोग साथ में मलेशिया का ट्रिप करके आए थे सर, उधर के वीडियोस डाले कुछ हमने, तो चलता है सर, मिली जुली सरकार है सर। आपको टाइम कब मिलता है एडिटिंग का सर? एडिटिंग का मेरा सैटरडे संडे टाइम रहता है सर, वो भी और रात में ये दो दो तीन तीन बजे तक। सैटरडे संडे मैं शूट करता हूँ, बाकी जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ, ऑफिस से 7 बजे आता हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं 1.5 से 2 घंटा एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि सर एक्चुअली वीडियो की एडिटिंग में मेरे को हम लोगों को 3-1 दिन लग जाते हैं एक वीडियो एडिट करने में, तो थोड़ा 1-1.5 घंटा ऑफिस से आने के बाद बना लिया, थोड़ा टाइम इनने बना लिया, ऐसे करके हम लोग ऑफिस के बाद वाला टाइम को यूज़ करते हैं, और सैटरडे संडे तो रिकॉर्डिंग में जाता है मैडम। मतलब एडिटिंग भी ना ऐसा नहीं है कि कभी भी कर लो, थोड़ा फ्री माइंड होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, तो वो टाइम हमें कब मिलता है? रात में ही मिलता है, तो हमारा दिन भी बिजी, हमारी रात भी बिजी, तो वो भी उसमें भी 1-1, 2-2 बजे तक, क्योंकि बच्ची सो जाती, तब हम फ्री माइंड से एडिटिंग करते हैं, तो ये कुछ करते हैं, थोड़ा मैं कुछ अपना करती हूँ, तो ऐसे हम लोग मतलब काफ़ी स्ट्रगल करते हैं सर और मैडम। सैटरडे संडे को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हफ्ते भर एडिटिंग करते हैं, मतलब कंटिन्यू लगे रहते हैं। जॉब है सर आपकी, शाम को जॉब कब फ्री होते हैं आप सर? मैं सर 6 बजे फ्री होता हूँ, फिर मेरे को एक्चुअली घर आते आते मैं एक्चुअली साइकिल से आता हूँ, तो मेरे को 1 घंटा साइकिल से आने में लग जाता है, तो साथ को भी बहुत फॉलो करते हैं, तो वो मंडे से फ्राइडे वो साइकिलिंग करते हैं, साइकिल से ही ऑफिस जाना है आना है, और मंडे से फ्राइडे हमारा खाना भी बिल्कुल ऐसा लाइट फूड रहता है कि सिर्फ दाल रोटी, वो भी ये 2 रोटी खाएंगे, या किसी दिन सिर्फ 2 चम्मच चावल और दाल बस। मतलब दिन भर अपनी जॉब तो करते हैं, उसके बाद शाम को एडिटिंग करते हैं, और कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, 1-2 वीडियो बनाते हैं और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं थोड़े, उनके पास टाइम भी होता है एडिटिंग का, फिर करते नहीं है और फिर फेल हो जाते हैं। बाहर आपको ऐसा नहीं करना है सर, से मोटिवेट होइए, मैडम से मोटिवेट होइए। मैडम आपको कब टाइम मिलता है एडिटिंग का? मुझे भी टाइम, मैं बताऊँ, दिन भर नहीं मिलता मुझे भी टाइम, रात का ही टाइम मिलता है मेरे को, और बीच में कभी जब प्यारा सो जाती है दिन के टाइम में, तब 1-1.5 घंटा मैं उस टाइम में थोड़ा थोड़ा सा कुछ एडिट करना चालू करती हूँ जी। मैडम अभी ये बताइए कि सेकंड यूट्यूब पेमेंट कितनी आई थी आपको? सेकंड यूट्यूब पेमेंट का बताओ। सेकंड यूट्यूब पेमेंट सर पहली तो जैसे कुछ 8,000 समथिंग आई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर बढ़ती गई सर, फिर जैसे फिर 10,000 हो गई, फिर 12,000 हुई, 15,000 हुई, ऐसे करते करते फिर हमें ऑन एन एवरेज 20-25 करीब आने लगे थे। कि बेटी का भी मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उसके पीछे का क्या रीज़न है? बस सर बच्ची का भी हम तो वही मेमोरीज़ कलेक्ट कर रहे हैं कि बस उसके डालते जाएंगे, क्योंकि बच्ची है वो तो अभी तो, पर ये बना दिया कि आजकल ना कोई मोबाइल में इतना सेव कर पाता है, ना इतने फ़ोटोज़ हम लोग प्रिजर्व करके रख पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये एक रियल टाइम एक चैनल है, उस पर डालते जाते हैं, जब वो 15-20 साल की होगी तो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा। अपने व्लॉग्स वो खुद देखेगी, मैं छोटे में क्या करती थी, कैसे मैं बोलती थी, किस तरीके से बात करें, तो वो सारे रिकॉर्डिंग हम बस नॉर्मल करते हैं और बस उसका अपलोड कर देते हैं। तो मैडम अभी एवरेज आप यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर लेते हैं? सर उसमें एक्चुअली यूट्यूब में कोई फिक्स तो है नहीं, बस ऑन एन एवरेज अब हमारा 30-35 ऐसा हो जाता है, अप्रोक्स इतना हो जाता है। दाल रोटी चल रही है, बस अपना चल रहा है, देखो खाना पीना चल रहा है। तो सर अच्छा काम है, मतलब अगर अपन वीडियोस बना के डाल रहे हैं, दूसरे की हेल्प भी हो रही है आपके कारण। जैसे आप बड़नगर में आए थे, तो बड़नगर में जो हरीश जी का आपने वीडियो बनाया था, उसको काफ़ी हेल्प हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत हेल्प हुई है। और सर कई लोगों को हम लोग पर्सनली भी करते हैं कि सर जो लगता है ना वाकई में नीडी है, तो फिर हम लोग ये सोचते हैं जो यूट्यूब से आ रहा है वो यूट्यूब के कंटेंट में ही निकल जाए, कुछ गैजेट्स में लग जाता है, कुछ जो नीडी पर्सन है हम उनको कुछ कर देते हैं हिडन तरीके से। जो एक्चुअली हमें मिलता है ना, तो हम हमारे पास हम खुद कुछ नहीं रखते हैं,
बस जब भी हम किसी का, एक तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, आने जाने का खर्चा बाहर, बहुत गैजेट्स वगैरह लगते हैं, और वाकई में जो हमें लगता है ना, हम अपने पर्सनली उनकी मदद करके आते हैं जी। तो ये एक सर सेटिस्फेक्शन है और कुछ नहीं, मतलब अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपका पैशन भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप अर्निंग भी कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं आपकी लाइफ, आपकी लाइफ भी काफ़ी मोटिवेट कर रही है व्यूवर्स को। तो अगर यूथ के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनरली सारे यूट्यूबर्स को, जो नए लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जो चाहते हैं यूट्यूब पे कुछ आगे करें, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूबर बनने के लिए आप बस अपलोड करते जाइए। आप उस पर ये मत सोचिए मैं कब सक्सेस होऊंगा, सक्सेस होने का कोई टाइम नहीं है यूट्यूब में। यूट्यूब बस आपको एक स्कूल की तरह है कि अगर आपने एक बार अटेंडेंस उधर आपने दाखिला ले लिया तो आपको रेगुलर अटेंडेंस वहाँ देनी है, आप उसमें एबसेंट नहीं हो सकते जी। तो आप बस वीडियो अगर डाल रहे हैं, अगर आप दो दिन में डाल रहे हैं तो आप हर दो दिन में डालिए, अगर आप वीक में एक वीडियो डाल रहे हैं तो एक वीक में वीडियो डालिए ही डालिए, महीने में एक वीडियो डाल रहे हैं तो डालते रहिए, और जो हम ब्रेक नहीं होना चाहिए वो उसी चीज को फॉलो करें, कभी उसको चेंज ना करें। आप कैटेगरी चेंज करते बार बार वीडियोस की, वो थीम आप फिक्स कर लीजिए, ये मेरी थीम है और मेरे को अगर मैं दो दिन में कर रहा हूँ अपलोडिंग तो वही उसी चीज को फॉलो करना है। कभी ये मत करिए कि आज कर लिया अरे यार अब नहीं बन पाया तो अपन 10 दिन बाद करें, नहीं कुछ भी डालो बट आप कंटिन्यूटी रहो उसमें। तो करते चलें सर, अपलोड करते जाएं व्यूअर्स, आप लोग भी तो ज़रूर सक्सेस होंगे। जिसने यहाँ तक अगर ये वीडियो देखा है तो सर और मैडम की लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। और सर और मैडम का आमची, जो आमची इंदौर यूट्यूब चैनल है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके चेक करें, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा देना। आपने हमें इंटरव्यू के लिए इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए इंदौर आए, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इंटरव्यू देना तो पहली बता दे रही हूँ, हम लोग कोई इतने बड़े लेवल पे नहीं है कि हम इंटरव्यू दे सकें, बट आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू, आपका जो यूट्यूब चैनल काफ़ी मोटिवेट कर रहा लोगों को भी, और इसलिए मैंने आपका सोचा कि इंटरव्यू लूँ और आज मुझे आपने इंटरव्यू दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।